हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली के हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, करंट अफेयर्स होंगे, उसी में हम लोग कवर कर लेंगे। एक स्टोरी टाइप मैं आपको बताऊँगा कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो रेगुलरली आप लोग जो है इन सेशंस को देखो। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा, तुरंत मैं उसका लिंक जो है वो टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? टेरर चार्जेस इन्वोक्ड इन सिक्योरिटी ब्रीच केस। तो टेरर चार्जेस को लगाया गया है जो अभी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, कहाँ पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ? विजिटर बनके दो लोग जो है वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर में घुस गए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ येलो कलर की गैसेस को जो है वो निकाला, मतलब कैनिस्टर से, टैंक से, और उसको फैला दिया। हालांकि वो इतनी टॉक्सिक नहीं थी। उसके बाद वहाँ पर जो MP लोग थे उन्होंने उनको पकड़ा और उनको जो है पुलिस के हवाले कर दिया। तो इसको एक कॉन्स्पिरेसी, मतलब एक घटना बुलाया जा रहा है, और इनको जो है कस्टडी में रखा गया है। 4 दिन की कस्टडी में, 7 डेज़ की कस्टडी में इसको रखा गया है। और जो बाहर नारे लगे थे पार्लियामेंट के बाहर, उनको भी जो है देखा गया, और इनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं। UAPA एक्ट है जो 1967 का, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, वो भी इनके ऊपर लगाया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, उनको सस्पेंड कर दिया गया। जो 8 सिक्योरिटी गार्ड थे उनको वहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। 14 अपोजिशन MP सस्पेंडेड फ्रॉम हाउस एमिड फेस ऑफ। तो विरोध चल रहा था किस चीज़ का? जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पार्लियामेंट के अंदर में, तो उसी टाइम पे, उसी विरोध के दौरान 14 MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पे? पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट के अंदर में हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये सब दिल्ली की न्यूज़ है। दिल्ली की न्यूज़ हम लोग कवर नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ दिल्ली के बारे में बताया रहता है, जो सिटी की न्यूज़ रहती है। हाँ, उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़ क्लियर्स प्रपोजल फॉर बिल्डिंग 18 लाख रूरल होम्स। तो छत्तीसगढ़ ने एक जो प्रपोजल था उसको क्लियर कर दिया है, और ये लोग जो हैं अभी 18 लाख रूरल गाँव में जो है बिल्डिंग्स बनाएंगे, घर बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने प्रपोजल को जो है, जो नए चीफ मिनिस्टर वहाँ के बने हैं, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन नया चीफ मिनिस्टर बना है, हम लोग डेली न्यूज़पेपर में कवर करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि नया CM जो है वो छत्तीसगढ़ का कौन बना है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखता हूँ कौन कौन कमेंट बॉक्स में बताता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। मद्रास हाईकोर्ट, वेदर किलिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस लीडर इज टेररिस्ट एक्ट इज़ डिबेटेबल। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि हिंदू जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनकी किलिंग होना, ये क्या एक टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये इशू जो है बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। ठीक है, तो ये किसने बोला है? मद्रास जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जितने भी रिलीजियस जो लीडर्स हैं, जब उनकी डेथ होती है तो क्या उसको टेररिस्ट एक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सब डिबेटेबल है, मद्रास हाई कोर्ट का कहना है। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डू प्रेगनेंसी टेस्ट इन ऑल POC SO केसेस कर्नाटका हाई कोर्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि जितने भी रेप केसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं, जो कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो एक्ट है 2012, तो जितने भी इस एक्ट के अंदर जितने भी केसेस आते हैं ना, उनकी हम लोग क्या करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, जितने भी रेप विक्टिम होंगे। ठीक है, कि मतलब जैसे ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद इनका जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, तो ये कोर्ट ने कहा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। MG नरेगा कर्नाटका सेंटर गिव कॉन्ट्रोडक्टरी रिस्पॉन्सिस। तो मनरेगा जो स्कीम है, जिसमें हमें 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, 2005 में ये एक्ट पास हुआ था, इसके अकॉर्डिंग 100 डेज़ की पर ईयर जो है हमें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, ठीक है, जो भी लेबर वगैरह होते हैं। तो ये जो है सेंटर और कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई चल रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट का कहना है कि इन्होंने 150 डेज़ के लिए सेंटर को कोई इंटीमेशन नहीं दिया था, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट का कहना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमने जो है इंटीमेशन दिया हुआ था। तो ये जो है इनके बीच में लड़ाई चल रही है। आपको MG नरेगा के बारे में पता होना चाहिए, जो महात्मा गांधी रूरल स्कीम है, इसके तहत जो है 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है जितने भी जो गाँव वाले होते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। उसके बाद हाँ, हाई कोर्ट सेज़ UAPA अलोज ग्रांट ऑफ बेल टू इवन फॉरनर्स इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज। तो जो हाई कोर्ट का कहना है कि जो UAP है, मतलब
UAPA क्या है, अनलॉफुल प्रिवेंशन डिटेन एक्ट जो है, ये बेल देता है। इवन फॉरेनर्स को भी इसके तहत बेल मिल सकती है कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर जिसमें बेल देना ज़रूरी हो, तो ये हाई कोर्ट का कहना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ये जो है सिटी की न्यूज़ आ गई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आर्टिकल मैं आपको अथॉन्टिसिटी के बारे में बताऊंगा कि अथॉन्टिसिटी का मतलब होता है सत्यता, रियलिटी, रियल क्या है और फेक क्या है, ये कैसे ख़त्म हो गई है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है अटानु विश्वास ने, इन्होंने इसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि आजकल ऐसा इन्वायरमेंट बन गया ना कि आपको फेक चीज़ें देखने को मिलेंगी सोशल मीडिया पे, हर जगह पे डी फेक्स, ठीक है, और मतलब हर चीज़ बनावटी चीज़ें मिलेंगी। उसी के बारे में इसको डिस्कस किया हो गया है कि क्या आजकल के ज़माने में जो ट्रुथ है वो कहीं खो गया है, ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है धीरे धीरे सब सारी चीज़ों को कवर कर रही है, जिसकी वजह से रियलिटी जो है ना, जो अथॉन्टिसिटी है वो कहीं पे खोके रह गई है। तो इसी के बारे में आर्टिकल पूरा जो है वो लिखा हुआ है। तो काफ़ी कुछ हेजी लाइंस, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस बचा हुआ है रियलिटी और मतलब रियलिटी और झूठ में जो है ना, बहुत ही एक थिन लाइन बची हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने किस तरह से चीज़ें चेंज की है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद इंडिया क्या इनफ कर रही है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो इंडिया ने भी, अभी मैंने कल बताया था आपको, जो COP28 की मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई UAE के अंदर, इंडिया ने भी उसको साइन किया है। लगभग 198 सिग्नेटरीज ने साइन किया है, और इसमें बोला गया है कि ट्रांजिशन, मतलब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना धीरे धीरे कम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि हम लोग धीरे धीरे फेस आउट मैनर में फॉसिल फ्यूल्स को जो है, मतलब धीरे धीरे हम लोग इसका यूज़ करना बंद करेंगे, और इसकी रिपोर्टिंग करेंगी कंट्रीज़, जो भी कंट्रीज़ होंगी, ठीक है, 2025 तक उनको रिपोर्ट करना होगा कि कितनी उन्होंने रिडक्शन की है, और 2030 तक हमारा टारगेट है कि हमें जो है इसके 2050 तक हमें नेट ज़ीरो एमिशन पे जाना है। तो इंडिया भी इसको लेके बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है, हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी के बारे में इसमें डिस्कशन की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, 54th जो फिल्म फेस्टिवल है वो गोवा के अंदर हुआ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है इसमें, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सिक्योरिटी ब्रीच हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद कुछ चेंजेस की गई सिक्योरिटी में पार्लियामेंट की, ठीक है, ये सारी तस्वीरें वहीं पर लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग जो है वो चलेंगे। उसके बाद जर्नलिस्ट के बारे में लिखा हुआ है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसराइल के अंदर जो है वो वॉर चल रहा है, तो BBC के बारे में गीत की है, नो पीस इन यूक्रेन अंटिल गोल्स आर अचीव्ड। तो पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, प्रेसिडेंट है जो रशिया के, कि जब तक हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं होगा तब तक यूक्रेन के अंदर शांति नहीं होगी, तो ये पुतिन ने कहा है। उसके बाद ये बिजनेस और क्रिकेट की न्यूज़ आ गई, कल इंडिया जो है वो मैच जीत गई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, हर जगह शेयर करना। जय हिंद।